देखिए, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर्स ए एंड बी हैव देयर सेंटर्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इफ द चार्ज ऑन ईच इज 6.5 × 10⁻¹⁷ किलो, द रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, दो इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर दे रखे हैं। ठीक है, हमें दो स्फीयर दिए गए हैं कॉपर के, जिनका नाम है ए और बी, और जिनके सेंटर से उन्हें कितनी दूरी पर रखा गया है, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो हमसे ये पूछा गया है कि उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन कितनी लगने वाली है। ठीक है, जब उनका चार्ज 6.5 × 10⁻¹ कूलम दोनों का सेम है। ठीक है, और बोला गया है कि जो रेडियाई है वो क्या है, नेग्लिजिबल रखा गया है। ठीक है, और इसी का एक बी पार्ट है, तो बी पार्ट में क्या बोला गया है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज्ड डबल द अबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ्ड, और वो कह रहे हैं कि वही फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगी उन स्फीयर्स में जब हम जो चार्ज की वैल्यू है उसको डबल कर दें और डिस्टेंस को क्या कर दें, हाफ कर दें। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, तो हमें सबसे पहले क्या गिवन था कि दो चार्जेस हैं, एक है क्यू ए जिसकी वैल्यू क्या है, क्यू 6.5 × 10⁻¹ कूलम्स, और एक और चार्ज है क्यू बी जिसकी वैल्यू भी क्या है, 6.5 × 10⁻¹ कूलम। ये चार्ज किसका है, स्फीयर ए का, और ये चार्ज किसका है, स्फीयर बी का। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब आर, आर हमारा कितना है, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर, जैसे हम कितने में कर लेंगे, मीटर में 0.50 मीटर हो जाएगा। ठीक है, हमें सबसे पहले इसमें क्या निकालना था कि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन मतलब फोर्स कितनी लग रही है। ठीक है, फोर्स कितनी लगने वाली है, तो हम जैसे हम जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू 1/4πε0 क्यू ए क्यू बी बाय आर स्क्वायर। ठीक है, हमें फोर्स का फॉर्मूला चाहिए, आंसर चाहिए अब, तो फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, इन सब की वैल्यूज को पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुट करने पर हमें क्या मिलेगा, 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻¹, क्यू ए की वैल्यू 6.5 × 10⁻¹, और क्यू बी की वैल्यू भी 6.5 × 10⁻¹ कूलम्स है, और डिस्टेंस हमारे बीच का है 0.50 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.52 × 10⁻²⁺ न्यूटन की फोर्स ऑफ रिपल्शन आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, और हमें इसके बाद बोला गया था बी पार्ट, जिसमें क्या बात की गई है कि अगर हम इसमें जो हमारी फोर्स और रिपल्शन क्या होगी जब हमारे स्फीयर का चार्ज क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा और डिस्टेंस हाफ हो जाएगा। ठीक है, मतलब अब जो जितना चार्ज अभी हमारे पास है उसकी हमने क्या करनी है, वैल्यू को डबल करना है, और जितना डिस्टेंस हमारे पास है उसकी वैल्यू को हाफ कर देना है। ठीक है, चलिए तो आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, तो बी पार्ट हमें क्या बोला गया है कि हमें क्या करना है, अपने चार्जेस को डबल करना है, तो चार्जेस हो गए हमारे डबल। ठीक है, जब चार्जेस डबल हो गए मतलब क्यू ए और क्यू बी इन दोनों की वैल्यू सेम थी, जिसे हम किससे डिनोट कर देंगे, सिंपल क्यू से। ठीक है, मतलब इनकी वैल्यू क्या हो गई है, अब 2 × 6.5 × 10⁻¹ कूलम्स का अब ये चार्ज बन जाएगा। तो हमारे सिंपल एक क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 × 10⁻¹ कूलम का चार्ज ये बन जाएगा। ठीक है, और हमारे पास पहले डिस्टेंस कितना था,
50 सेंटीमीटर, जिसका अब हमें क्या कर देना है, हाफ कर देना है, ठीक है। हाफ कर देंगे तो मतलब ये बन जाएगा 25 सेंटीमीटर, और अब डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, 0.25 मीटर का डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है इसमें, फोर्स ऑफ रिपल्शन जो हम पहले भी निकाल रहे थे, तो सेम वही चीज करेंगे हम, फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे 1/4π ε0 QA QB/r², ठीक है। जैसे हम जानते हैं QA QB दोनों सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि 1/4π ε0 Q का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। कैसे एक बार देख ही लेते हैं, 1/4π ε0 QA, जैसे हमने बताया यहाँ पे QA और QB हम क्या लिखेंगे, उन्हें Q की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। मतलब जहाँ पे QA होगा वहाँ हम क्या लिख देंगे, Q, और जहाँ पे QB है वहाँ पे भी क्या लिख देंगे, Q लिख देंगे, ठीक है, और डिवाइड में r², तो Q इंटू Q क्या हो जाएगा, Q का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ डिवाइड में क्या चल रहा है, r² चल रहा है। अब वही चीज़ करनी हमने, यहाँ 1/4π ε0 की वैल्यू डालेंगे, Q की वैल्यू डालेंगे और R की वैल्यू डालेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएंगे, 9 × 10⁻⁹ इंटू 13 × 10⁻⁷ जो हमारा अब नया चार्ज हो गया, इसका क्या हो रहा है स्क्वायर, और डिस्टेंस हमारा था 0.25 मीटर, तो जिसका हो जाएगा स्क्वायर। तो हमारे पास फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, हमारा फाइनल आंसर आने वाला है 0.243 न्यूटन का फोर्स ऑफ रिपल्शन अब इन दोनों स्फेयर्स में लग रहा होगा, ठीक है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं,